मान लीजिए कि आपके पास इतनी धन दौलत हो कि आप यह सोचकर परेशान हो जाए कि आखिर इसका करेगा, और इसी बात से परेशान होकर आप उसे नदी में बहाना शुरू कर दें। सुनने में काफी अजीब लगता है ना, लेकिन यह बिल्कुल सच्ची घटना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल खरकवाल और आज मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी महिला के बारे में बताता हूँ जिन्होंने सच में ही अपनी सारी धन दौलत को नदी में बहाना शुरू कर दिया था। तो बात है सन 1805 की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दातू गांव में जन्म हुआ जसूली दत्ताल का। जसूली दत्ताल के लोगों को र या फिर शौका कहा जाता था। ये लोग दामरा घाटी में रहते थे और कई सदियों से ही तिब्बत के साथ व्यापार कर रहे थे, जिसके चलते ये लोग उत्तराखंड में पूरे कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में सबसे संपन्न और धनी लोगों में गिने जाते थे। जसूली अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनकी शादी भी एक बहुत बड़े व्यापारी के साथ हुई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी और इसके कुछ साल बाद ही उनके इकलौते बेटे की भी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण वह निसंतान रह गई, और अब वह सारी धन दौलत जो अभी तक कमाई थी उसकी अकेली मालकिन रह गई। बुढ़ापे के दिनों में अकेली और हताश जसूली ने सोचा कि आखिर वह इतनी धन दौलत का क्या करेगी। इसलिए उसने फैसला लिया कि वह अपनी सारी धन दौलत को धौली गंगा नदी में बहा देगी। वह रोज धौली गंगा नदी तक जाती और अपनी थोड़ी थोड़ी संपत्ति करके उस नदी में बहा देती। इत्तेफाक की ही बात होगी कि उस समय के कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नर हेनरी रैमजे का काफिला धौली गंगा नदी के पास से गुजर रहा था। उन्हें पता चला कि इस गांव में एक महिला है जो अपनी धन दौलत को इस नदी में बहा रही है। गांव वालों से हेनरी ने पूछा तो उन्हें जसूली की सारी कहानी पता चली। वह भागकर जसूली के पास गए और उन्हें एक सुझाव दिया कि वह अपनी धन दौलत को नदी में बहाने से अच्छा जन कल्याण के कार्यों में लगाए जिससे लोगों का भला हो। जसूली को हेनरी का यह सुझाव बेहद पसंद आया और उन्होंने अपनी सारी धन दौलत हेनरी को सौंप दी। जसूली की असीम धन दौलत को भेड़ बकरियों की लंबी कतार में लाद कर अल्मोड़ा लाया गया, जो कि उस समय उत्तराखंड की राजधानी हुआ करती थी। कमिश्नर हेनरी रैमजे एक नेक दिल इंसान थे। उन्हें लोग उत्तराखंड का राजा भी कहते थे। जसूली के धन दौलत से हेनरी ने जसूली शौक्याण के नाम से कुमाऊं, गढ़वाल, नेपाल और तिब्बत तक के व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए 200 से भी अधिक धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। क्योंकि उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी, लोग ज्यादातर पैदल यात्रा करते थे और पैदल मार्ग का ही इस्तेमाल करते थे, और अगर किसी को कुछ दिन का सफर करना हो तो रात को रुकने और विश्राम करने की कोई जगह नहीं हुआ करती थी। इसीलिए हेनरी रैमजे ने धर्मशालाओं का निर्माण करवाया जिससे लोग रात को और दिन में विश्राम कर सके। धर्मशालाओं को नदियों, नौलों और पैदल मार्गों के पास बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठा सके। लगभग 100 से भी ज्यादा सालों तक इन धर्मशालाओं का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद पहाड़ी इलाकों में सड़कों का निर्माण शुरू हो गया जिससे इन धर्मशालाओं का इस्तेमाल कम हो गया, और समय के साथ प्रकृति की मार को झेलते हुए आज ज्यादातर धर्मशालाएं खंडर बन चुकी हैं और जो बची कुची हैं वह बनने की कगार पर है। जसूली शौक्याण के इन धर्मशालाओं को आज भी आप पूरे उत्तराखंड के कई इलाकों में देख सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड में रहते हो तो हो सकता है कि आपके घर के आसपास ही कोई जसूली शौक्याण धर्मशाला जरूर हो। अगर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।